सो कुछ दिनों पहले मैंने अमेजन पे देखा कि इस तरीके के कैरियर्स बाइसिकल के लिए अवेलेबल हैं। मैंने सोचा क्यों ना यार इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया जाए, देखा जाए कि क्या मैं इसको अपनी एमटीबी में लगा सकता हूँ या नहीं, एंड क्या ये इस तरीके का प्रोडक्ट हमारी हाइब्रिड बाइक्स या फिर जो रोड बाइक्स होती हैं, बिकॉज वो नॉर्मली कैरियर के साथ नहीं आती, उनमें लग सकती हैं कि नहीं। बिकॉज अगर ये लग जाएंगी तो ऑब्वियसली जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप पे जाएंगे उसमें ये बहुत काम आने वाली है। जो हमारा कैरियर है गाइज, ये कुछ इस तरीके से आता है, एंड आई कैन टेल यू ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है बिकॉज काफ़ी लाइट वेट है, एंड साथ में यहाँ पे एक क्विक रिलीज लीवर जैसा मिलता है जिससे हम इसको ओपन एंड लॉक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ये काफ़ी सारे मेटल के रॉड्स दिए हुए हैं, आई गेस ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे काम आएंगे, हम देखेंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है। साथ में एक छोटा सा पैकेट और है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर इस तरीके के दो एल्यूमिनियम रेल गार्ड्स है, आई गेस ये कैरियर को लगाने के वक्त काम आएंगे एंड बैग्स को फिट करने के लिए। एंड इस तरीके का एक बंजी कॉर्ड हमें मिलता है, साथ में काफ़ी सारे छोटे मोटे बोल्स हैं एंड कुछ रबर के पैड्स हैं एंड इंस्टॉलेशन टूल जिसकी हेल्प से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड एट लास्ट एक छोटा सा रियर रिफ्लेक्टर। तो चलो इसको फटाफट अब इंस्टॉल करते हैं। नो सो द इंस्टॉलेशन इज़ प्रीटी ईजी। हमको पहले ये जो क्विक रिलीज लीवर है इसको थोड़ा सा लूज कर लेना है, जस्ट लाइक हमारे सीट क्लैंप की तरह। क्लैंप को हमको पूरा खोल लेना है एंड देन इस तरीके के लॉकिंग मैकेनिज्म को पूरी तरीके से निकाल लेना है। जो साथ में रबर पैड्स दिए गए हैं, आप एक रबर पैड को कुछ इस तरीके से रख दो सो दैट इट विल गिव सम ग्रिप जब हम इसको सीट पोस्ट में लगाएंगे। पैड आप इसको इस तरीके से रख के आप इसको कर दो क्लोज, एंड देन क्विक रिलीज जो पूरा सेटअप है ना गाइस, एक बार लगा लेने के बाद आप इसको कर लो थोड़ा सा टाइट अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आप सीट पोस्ट को लगाते हो, एंड देन इस लॉक को आप पूरा सीट पोस्ट की तरह लॉक कर दो। एज यू कैन सी अभी इसको हमने क्लैंप के साथ सीट पोस्ट के साथ पूरा कर दिया है इंस्टॉल, एंड नाउ इसके साइड वाले रेल्स को भी हम लगा लेते हैं। तो गाइस कैरियर को हमने सीट पोस्ट के साथ लगा दिया है, नाउ इट इज़ टाइम कि ये जो हमको साथ में रॉड दिए गए हैं हम इसको भी अपने बाइसिकल कैरियर में लगा दें ताकि उसको और भी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिले। सो लेट मी शो यू कि आप इनको भी कैसे लगा सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एंड इसको आप कुछ इस तरीके से पूरा फिट करके आप अपने सेकेंड बोल्ट को भी इसको ऊपर इस तरीके से लगाओ एंड रबर स्ट्रैप को अंदर से पूरा फिक्स कर दो ताकि ये आपके सीट स्टे में अच्छे से लग जाए। एंड देन आप इसके स्क्रू बोल्ट को भी लगा दो ताकि ये सिक्योर हो जाए। पूरी तरीके से टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको थोड़ा हल्के से लूज करके रख दो, लेटर ऑन वी कैन टाइट इट। टाइम के हम अपने अपर सपोर्ट को भी इसमें फिट कर दें, आप देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा नट है, इसको आप लूज कर लेना ताकि आप रॉड को इसके अंदर फिक्स कर सको, एंड देन आप रॉड को कुछ इस तरीके से इसके अंदर इंस्टॉल करो। एज यू कैन सी हमारे कैरियर के साथ ऊपर तीन माउंटिंग पोजीशंस दिए गए हैं, हम सेंटर वाले का यूज़ करेंगे एंड इस सपोर्ट को अच्छी तरीके से इसमें फिक्स कर देंगे। आई एम यूजिंग अ स्मॉल बोल्ट विद वॉशर, एंड वॉशर वाले साइड को हम इसको आउटसाइड में कुछ इस तरीके से लगा देते हैं, एंड देन हम लोग साथ दिए गए इस छोटे से नट का यूज़ करेंगे एंड अंदर से इसको टाइट कर देंगे। नाउ गाइस एक बार जब ये फिक्स हो गया है यहाँ पे साथ दिए हुए एलन की से, हम इसको सपोर्ट करेंगे टाइट करने के लिए, एंड देन साथ में जो एक और टूल हमको दिया गया है उससे आप पीछे के बोल्ट को कुछ इस तरीके से होल्ड करके और नीचे जो बोल्ट लगा हुआ है आप इसको भी अच्छे से कर दो टाइट ताकि ये भी पूरा फिक्स हो जाए। नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे स्पैनियर गार्ड को भी इंस्टॉल, बहुत ही सिंपल है, सेम प्रोसीजर में बोल्ट के साथ आप वॉशर को लगा दो एंड देन जस्ट सिंपली आप इसको इसके माउंटिंग पोजीशन में रख के आप पीछे से दिए हुए नट्स को टाइट कर दो। इस वन साइड सेटअप हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट, आपने देखा कि कितनी इजीली इसको हमने लगा लिया है। मैं सेकंड साइड भी इसको पूरा कवर कर लेता हूं एंड देन वी विल सी कि ये कैसा लगता है।
सो गाइज फाइनली कैरियर हो चुका है इंस्टॉल हमारे MTB में पूरी तरीके से। सो लेट मी क्विकली शो यू कि ये कैसा लगता है। तो इस पूरी तरीके से कैरियर को हमने कर दिया है इंस्टॉल। नाउ कैरियर के यहाँ पे एक लेबल प्रिंटेड है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको इसमें 50 kg से ऊपर का जो वेट है वो एक्सीड नहीं करना है। सो आई बिलीव कि अगर 50 kg उन्होंने इस पर लिमिट रखी है, सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली नॉट एक्सीड एटलीस्ट 30 kg, ताकि 20 kg का बफर रहेगा तो काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। नाउ गाइस इसके प्राइस की अगर बात करें तो जब मैंने इसको अमेजन पे ख़रीदा था, दिस वाज अराउंड 1100 rupees के अंदर मुझे ये पूरा सेट मिला है। सो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट फॉर दैट प्राइस। सो गाइस डू लेट मी नो आपको कैसा लगा ये वीडियो, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल बटन आइकन, एंड मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो टू सी सम मोर पिक्चर्स रिगार्डिंग दिस, या फिर मेरे से बात करना चाहते हो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल @cycleriderroy। सो आई सी यू विद अनदर वीडियो गाइस, टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज smile. Bye bye.